हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो का पार्ट 1 है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड के लिए, साथ में सीबीएसई और किसी भी तरह के स्टेट बोर्ड के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ए बी बी सी एंड सी ए। यहाँ पे हमारे पास तीन एक्सप्रेशन है, ए बी बी सी और सी ए, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, ए यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर 2, बी यहाँ पे 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे बी की पावर 2, और सी भी यहाँ पे 2 टाइम्स है जो मल्टीप्लाई होता है तो सी की पावर 2। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो इस पे पुट करेंगे 10 प्लस 6, 10 को 6 के साथ एड किया तो 16 एंड 16 टू जा 32, तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा वो 32 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे हमको ट्रू फॉल्स बताना है। अब देखिए, नंबर 926 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे हमको ट्रू फॉल्स बताना है, तो देखिए 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो इसको हम लोगों ने ऐड किया, 9 और 2 11, 11 प्लस 6 17। इनको ऐड करने के बाद जो भी नंबर आया उसे हम 9 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 9 से डिवाइड करने पर 9 की टेबल में आ गया, मतलब पूरा डिवाइड हो गया, तो ये पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन हमें पता है 17 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 926 जो है उसको अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल है, और यहाँ पे भी नॉट डिविजिबल बाय 9 है, तो हमारे पास ये ट्रू हुआ। सेकेंड पार्ट देखिए, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज 0 और 5। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में या तो हमारे पास 0 हो या उसके यूनिट में 5 हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो देखिए 5 की डिविजिबिलिटी भी यही होती है। आप 5 का टेबल भी देख सकते हैं, 5 में 1, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25। तो यूनिट डिजिट है या तो 5 आता है या 0 आता है। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आए या फिर 5 आए तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहीं पे गिवन है, देखिए, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज 0, या तो 0 हो या 5 हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये एकदम ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें बताना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ भी एक पैरेललोग्राम बनाया है, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल होगा वो कोरिस्पोंडिंग एंगल की वजह से इक्वल होगा। ये हमारे पास 130 गिवन है, ये एक्स है, तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री, रीजन हम लोग लिखेंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। और ये पैरेललोग्राम है तो ये जो एक्स है उसके सामने वाला एंगल भी उसके इक्वल होगा वाई, तो जो वाई की वैल्यू है वो एक्स के इक्वल होगी, तो वाई की वैल्यू भी हम लोग 130 बता सकते हैं। तो एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग 130 बता सकते हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनता है, तो जो वाई होगा वो 130 के इक्वल बन सकता है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है, -2/3। अब यहाँ पे जो पावर है उसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 × 2, क्योंकि देखिए फॉर्मूला है ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन, इसे हम ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई एन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए -2/3, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4। अब यहाँ पे जो हमारे पास पावर माइनस है उसको चेंज करने के लिए हमें इसको रेसिप्रोकल करना होगा, तो यहाँ पे इसे हम 3/-2 लिख देंगे, तो हम इस पावर को +4 लिख सकते हैं। आप इसे अब सेपरेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4/-2 रेज टू द पावर 4।
थ्री की पावर फोर को आप लिखिए, थ्री को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 81, और टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 16, और माइनस को फोर टाइम्स किया तो प्लस, तो 81 अपॉन 16 जो होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट 8/5 ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे हमें 8/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे और पॉजिटिव के लिए ज्यादा स्पेस रखेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो हम इसके 5 इक्वल पार्ट्स करते हुए 1 तक लाएंगे। ये पहला वाला जो हो गया वो 1/5, ये सेकंड वाला इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे हम लोग 2/5, 3/5, 4/5, और ये हो गया 5/5, तो 5/5 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो आगे देखिए 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 ये हो गया 2। तो यहाँ पे हमने 8/5 को रिप्रेजेंट किया, इस पे आप एक सर्कल लगा लीजिए और यहाँ पे आप पॉइंट P लिखिए, और यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 8/5। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये तो अपने आप में एक आइडेंटिटी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये जो जेड स्क्वायर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास अगेन एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो इसी को आप लोग लिख लीजिए x माइनस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस जेड, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे 2 पाई आर आर प्लस एच, जो कि 968 के इक्वल है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, और आर की जगह 7 प्लस हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 2 मल्टीप्लाई 22 मतलब 44 से डिवाइड होगा, तो 7 प्लस एच जो है वो 968 डिवाइडेड बाय 44, कैंसिल आउट करते हैं, ट्वेंटी टू। अब ये 7 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हाइट इज इक्वल टू 22 माइनस 7, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो हाइट बनेगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 192 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे हमें 192 को डिवाइड करना है जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब बन सके। यहाँ पे 192 के हम फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 192 के अगर हम लोग फैक्टर बनाए तो 2 देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स जो है वो हमारे पास 2 आया है और 3 हमारे पास 1 टाइम आया है। याद रखिए यहाँ पे हमें क्यूब रूट बताना है, तो क्यूब रूट के लिए हम लोग जो पेयर बनाएंगे वो 3-3 नंबर्स के बनाएंगे, इक्वल नंबर्स के। तो यहाँ पे जो ये 2 है 3 पेयर्स में है, 3 के पेयर्स में, और सेकंड वाला 2 भी 3 के पेयर्स में है। ये जो 3 है वो अनपेयर्ड है, तो अगर हमें डिवाइड करना होगा तो हम इसी 3 को ही हटाना चाहेंगे क्योंकि उससे ये अपने आप में परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो बस यहाँ पे 192 डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर 3 इज अनपेयर्ड, सो 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। 10 क्वेश्चन देखिए, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड एट द सेम टाइम, दो पार्ट है इसके, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनादर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए अगर हम किसी भी हाइट में,
मान लीजिए हम कोई भी हम किसी भी हाइट का पोल लें, उसकी जो शेडो होगी, अगर हम लोग यहाँ पे हाइट इंक्रीज करते जाएंगे तो इसकी शेडो भी कम होती जाएगी, और डिक्रीज करते जाएंगे तो शेडो भी कम लेंथ की बनती जाएगी। तो ये अपने आप में डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो इसको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखिए दो है, एक तो है हाइट ऑफ द पोल और सेकेंड हमारे पास है लेंथ ऑफ शेडो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मीटर सेंटीमीटर दोनों में है, तो हम लोग इन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो पोल है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम 560 सेंटीमीटर कर देंगे, और उसकी जो शेडो बनती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 320 सेंटीमीटर, ये दोनों ही सेंटीमीटर में है। अब हमें देखिए क्या पता लगाना है, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाई अनादर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो यहाँ पे 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें बताना है उसकी लेंथ ऑफ शेडो कितनी होगी। और नेक्स्ट भी कर लेते हैं, द हाइट ऑफ ए पोल, हाइट ऑफ ए पोल बतानी है जिसे हम लोग वाई लेट कर लेते हैं, विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग, जिसकी शेडो जो है वो 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, या आप प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें हम ये एक्स वन y1, x2, y2, x3, y3, तो इसमें जो होगा x1, y1 जो है वो x2, y2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कॉलम वन और कॉलम टू डिवाइड होके इक्वल होगा, आप लिख सकते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो डायरेक्टली किस में क्या होगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब आप इसको सिंपल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7x इज इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाई 4, सो x इज इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7, तो 600 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 6 मीटर। सेकंड के लिए भी बिल्कुल सेम मेथड हम लोग लेंगे, 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू y अपॉन 500। अभी देखिए इसको कैंसिल आउट किया था हमने, तो ये 7 अपॉन 4 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 500, सो y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 4, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है 875 सेंटीमीटर, या फिर 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक भी आप लोगों के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं वहां से। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट टू जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे।